हो गया 74 हो गया। हे भगवान क्या होगा। चलो भाई कोई बात नहीं, 25% लोग तो है ही। The permissible limit of the crosswind component of a big aircraft is, ये तो स्टैंडर्ड सवाल है। The permissible limit of the crosswind component of a big aircraft, अच्छा स्मॉल एयरक्राफ्ट की कितनी होती है? बिग का तो मैं ऑप्शन क्रिएट कर दूंगा, स्मॉल एयरक्राफ्ट हाउ मच? 15 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल सही बात है गगन सोनी। मीडियम एयरक्राफ्ट 25 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल सही। बाबू ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल, हाँ सही बात है बाबू। भाई छोटा नाम लिख दो, इतना बड़ा नाम बोलने में ही 5 मिनट निकल गए। तो 25 किलोमीटर पर आवर एयरक्राफ्ट वेट के अकॉर्डिंग कैटेगराइज्ड है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ द वैली कर्व प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द कंफर्ट कंडीशन इज, लेंथ ऑफ द वैली कर्व प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्ट कंडीशन, दोनों के अकॉर्डिंग है। विंग स्पैन भी होती है, अलग अलग क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू वेट ऑल्सो, अकॉर्डिंग टू विंग स्पैन ऑल्सो। ये देखो फिर वो इसलिए बोल रहा है, तुम कमेंट मत करो बाबूलाल ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल, तुम कमेंट मत करो, या तो नाम छोटा करो अपना। इसको करो BAYTC, बाबू बुला लो, बाबू के बुला लो, फिर गलत मैसेज जाएगा। तुम लोग वो उसका बना लोगे वीडियो और फिर चलाते रहोगे सब जगह कि सर क्लास में बाबू बोल रहे थे किसी को। तुम्हारा कमेंट तो देखते नहीं है, वो तो मेरा वीडियो आएगा बस कि बाबू ने सही जवाब दिया, बाबू ने गलत जवाब दिया। सो लेंथ ऑफ द वैली कर्व प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द कंफर्ट कंडीशन इज, ये क्या पूछा हुआ वैली।